नमस्कार बच्चों, मैं प्रशांत शर्मा नव भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 6 का जो पाठ्यपुत्र रुचिरा भाग 1 है, उसका हम पाठ 2 को हम आज पढ़ेंगे कि उसमें जो शब्द परिचय के बारे में बताया गया है कि उसमें क्या क्या शब्द के क्या क्या चीज है, हम आगे इसमें देखते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए इसमें कह रहा है शब्द परिचय। शब्द परिचय में क्या है, यानी कि शब्दों के बारे में जानना, यानी कि जिस कोई भी शब्द हो उसके बारे में हमें जानना होता है, ठीक है ना। उसके बारे में देखिए, ऐसा कहा, यह क्या है दोस्तों, ऐसा कहा तो यह क्या है, ऐसा दौला, ये क्या है दोस्तों, यह झूला है, ये क्या है, यह झूला है, ठीक है ना। ऐसा कहा, यह क्या है, ऐसा दौला, यह झूला है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, दौला कुत्र अस्ति, और यह झूला कहां पर है, झूला कहां पर है, तो दौला उपवने अस्ति, तो झूला कहां पर है, उपवन में है, वन में है या उद्यान में है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर ये हमें झूला के बारे में जो है वो बता रहे हैं कि ये क्या है, झूला है, और ये दौला कहाँ, झूला जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो हमारे जो है वो वन में उपस्थित है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में देखिए, सा का यानी यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, सा का यह क्या है, तो सा घटिका, यह घटिका है, ठीक है ना। घटिका किम सूचयति, तो घटिका किस चीज का सूचना देती है, किस चीज के बारे में हमें सूचित करती है। घटिका समयम सूचयति, घटिका जो है वो समय की सूचना को देती है, समय को सूचित करती है, ठीक है दोस्त। इसके आगे देखते हैं, देखिए एते के, ये क्या है, ये क्या है, तो इसमें कह रहा है कि किम एते कोयले, क्या यह कोयले है, ना एते चटके, नहीं ये तो क्या है, चटके है, यानी कि चिड़िया है। चटके की कुरुतः, चटके किम कुरुतः, तो वो कह रहा है कि चटके क्या कर रही है, एते बिहरतः, तो एक जो चिड़िया है वो क्या कर रही है, वो बिहार कर रही है, वो मतलब अपने जो आकाश में जो है वो उड़ रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ते के, ये सब क्या है, ते के ये सब क्या है, तो ते चाल के स्तः, ते चाल के स्तः, तो ये सब क्या है, चलने वाली जो है वो गाड़ियां है। ते किम कुरुतः, ये क्या कर रही है, ये सभी जो है, ते वाहनम चालयतः, ये सब जो है वो वाहन जो है वो क्या कर रहे हैं, वो चल रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि यहाँ पर इन कारों के बारे में जो है वो हमें शब्द परिचय जो है वो इनको क्या कहते हैं, चाल के कहते हैं, है ना, वाहन कहते हैं, ये क्या कर रही है, उसके बारे में हमारा जो शब्द परिचय है उसमें हमें बताया गया है। एता का, तो ये सब क्या है, ये सभी क्या है, ठीक है ना, ये सभी क्या है दोस्तों, एताहा स्थालिका, तो ये सभी क्या है, ये सब थाली है। स्थालिका का मतलब क्या होता है, थाली, थाली, ठीक है ना। उसके बाद में, किम एता गोलाकारा, क्या यह गोलाकार है, क्या यह गोलाकार है, ठीक है ना, क्या यह गोलाकार है। आम एता गोलाकार, हाँ ये सभी जो है वो गोलाकार है। यानी कि यहाँ पर जो हमारे इस शब्द जो परिचय है, इसमें हमें थालियों के बारे में बताया गया है, इनका आकार कैसा है उसके बारे में हमें इसमें बताया गया है, ठीक है दोस्तों। इसके आगे हम देखते हैं,
देखिए ता का ये सब क्या है, ता अजा ये तो क्या है, ये सब बकरियां है। ता के कुर्वंती ये क्या कर रही है, ये सब क्या कर रही है। ता चरंती तो ये सब क्या कर रही है, चर रही है। तो इसमें इसमें अजा यानी बकरी, ठीक है, चरंती यानी चरना, ठीक है ना, क्या कर रही है, किम यानी क्या कर रही है, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें हमें बकरियों के बारे में बताया गया है कि अजा किसको कहते हैं, ये क्या कर रही है, ठीक है, ये चर रही है, ठीक है। इसमें हमारे कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं, ईशा यानी यह, ठीक है, यह या स्त्रीलिंग के लिए हम ईशा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में दौला यानी झूला, ठीक है ना, उपवन यानी बगीचा या वन कुछ भी कह सकते हैं, पुत्र यानी कहां और घटिका यानी घड़ी होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस शब्द परिचय जो हमारा पाठ था, इसमें हमने झूला के बारे में शब्द परिचय का ज्ञान किया, उसके बारे में घड़ी के बारे में शब्द परिचय का ज्ञान किया, उसके बारे में हमने चिड़ियों के बारे में शब्द परिचय का ज्ञान किया, वाहनों के बारे में शब्द परिचय का ज्ञान किया, और हमने बकरियों के बारे में, थालियों के बारे में, इत्यादियों के बारे में शब्द परिचय का ज्ञान कर लिया है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।